वुमेन्स T20 चैलेंज का प्रीव्यू कहाँ है, क्यों नहीं कर रहे वुमेन्स T20 चैलेंज कवर? नहीं ऐसा मैं नहीं बोल रहा, इतने सारे कमेंट्स थे आपके, डीएम्स थे, तो अगर आपने बोला है तो बिल्कुल करना पड़ेगा। तो वेलकम बैक टू VUSport Scouts, मैं हूं पीयूष शर्मा और हम आज पहला प्रीव्यू करने वाले हैं इस सीजन वुमेन्स T20 चैलेंज का। और एज यूजुअल हमारे साथ दोनों स्काउट्स हमारे जुड़ चुके हैं, हमारे पहले स्काउट जो कि पहले एपिसोड में आईपीएल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वैसे बहुत ज्यादा रेगुलर फैंटेसी प्लेयर नहीं है, लेकिन जैसा उनका आईपीएल सीजन गया है वो खुद ही अपने आप से पूछ रहे हैं आखिर क्यों नहीं है, इतना अच्छा सीजन गया उनका। प्लीज वेलकम वसीम जाफर। थैंक यू पीयूष सर। ऑल सेट फॉर द वुमेन्स T20 चैलेंज? बिल्कुल एक्साइटेड। एक्चुअली मैंने परसों वाले मैच थोड़ा देखा भी था एंड आई हैव एक्चुअली कमेंटेटेड इन द फ्यू गेम्स। इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग। तो आज की हमारी दूसरी स्काउट, उनका डेब्यू है ऑन VUSport Scouts और वुमेन्स T20 चैलेंज है तो वुमेन्स पार्टिसिपेशन भी जरूरी है VUSport Scouts पे। और जैसा मैं बोलता हूँ शो पे सिर्फ ऑलराउंडर्स ही आते हैं, तो हमारी आज की जो स्काउट है वो खुद फॉर्मर इंडियन प्लेयर हैं, बहुत सारे प्लेयर्स के साथ खुद खेल चुकी हैं, कमेंटेटर हैं, एक्सपर्ट है, यूट्यूबर है और आज की हमारी फैंटेसी स्काउट भी है। प्लीज वेलकम स्नेहल प्रधान। थैंक यू सो मच पीयूष, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मजा आएगा होपफुली। अभी तक जो गेम्स देखे हैं बहुत एक्साइटिंग क्रिकेट देखा है, अच्छा स्तर का क्रिकेट देखा है एंड इट विल बी गुड टू पिक सम ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फ्रॉम दीस टीम्स। बिल्कुल, जैसे वसीम मैंने अभी कमेंट्री की बात की तो आपकी कमेंट्री सुन के काफी कुछ सीखने को मिलता है और ऑफ कोर्स मैं भी काफी कुछ सीख रहा हूँ आपसे, तो होपफुली आज भी फैंटेसी में भी कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के प्रीव्यू पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है ट्रेलब्लेजर्स वर्सेस वेलोसिटी। वसीम भाई किसके साथ जाना चाहेंगे इस कैप्टन? सेफ पिक आपकी? I think I'll go with Dipti Sharma. मैंने उनको देखा है खेलते हुए and she is a very exciting talent. All-rounder है and all-rounder is always a safe pick. मेरे हिसाब से फैंटेसी में they can give you points on the both ends. She is a very very good off spinner और बैटिंग बहुत बढ़िया करती है. So without any doubt I'll go with Dipti Sharma. बिल्कुल, जैसा मैंने कहा हमें ऑलराउंडर से बहुत ज्यादा लगा हुआ है, चाहे वो हमारे स्काउट्स हो या फिर प्लेयर्स हो, तो उनके साथ जा रहे हैं वसीम सर। बिल्कुल आप भी जा सकते हैं, बहुत ही अच्छी चॉइस है। 4 ओवर्स आपको करके देंगी, इसके अलावा नंबर 4-5 पे आप बैटिंग भी करेंगी तो कुछ रन और 1 विकेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही सेफ चॉइस है अगर आप स्मॉल लीग्स खेल रहे हैं। स्नेहल किसके साथ जाना चाहेंगे आप एज कैप्टन? सेफ पिक नंबर 1 मैं चूज करूंगी स्मृति मांधाना को, जो ट्रेल ब्लेजर्स की कप्तान है। एक तो टॉप ऑर्डर बैट है तो टॉप ऑफ द ऑर्डर ओपनिंग के लिए आएगी, शी विल गेट प्लेंटी ऑफ चांसेस टू स्कोर रन्स। और एक ऐसी खिलाड़ी है जो फॉर्म में भी है, पिछले मैच में हमने देखा कि बहुत अच्छी बैटिंग करी, बहुत अच्छी शुरुआत की है। सबसे बड़ा एडवांटेज उनके पास है कि शी इज द ओनली लेफ्ट हैंडर इन दैट टॉप ऑर्डर, तो उनके खिलाफ डेफिनेटली ऑपोजिशन बहुत ट्राई करेंगे उनको जल्दी आउट करने को। बट इफ शी गेट सेट और वो एक लंबी पारी खेल सकती है तो सामने वाली टीम के प्लान्स को बहुत वो खराब कर सकती है। और वो एक ऐसी खिलाड़ी है जिसके साथ मैं खेल चुकी हूँ, हम दोनों एक ही स्टेट के लिए खेले एंड आई नो कि वो कितनी डिटर्मेंट है और वो जानती है कि ये टूर्नामेंट कितना इंपॉर्टेंट है विमेंस क्रिकेट इन इंडिया के लिए, तो डेफिनेटली वो पूरा प्रयास करेगी टू पुट अप अ गुड शो, अ गुड स्कोर, इसलिए शी इज माय सेफ पिक नंबर 1। ये बहुत ही सेफ चॉइस है। वुमेन्स क्रिकेट में आपको बहुत कम बैटर्स वो मिलते हैं जिनको आप एज अ सेफ कैप्टनसी चॉइस रख सकें और स्मृति मंधाना ऑफ कोर्स उनमें से एक है। नंबर्स देखेंगे काफी अच्छे हैं, सामने होंगे केट क्रॉस, उनके अगेंस्ट अभी तक आउट नहीं हुई है वो, स्ट्राइक रेट रही है 166 की, लेकिन स्ट्रगल किया आया बोंगा खाकर के अगेंस्ट, 6 इनिंग में एक बार उन्होंने उनका आउट किया है और स्ट्राइक रेट उनके अगेंस्ट सिर्फ 46 है। और अगर स्मृति मंधाना के साथ अगर आप कैप्टन जाना चाहते हैं ऑफ कोर्स बहुत अच्छी चॉइस है, लेकिन बहुत अच्छी चॉइस और भी बन जाएगी अगर वो चेस करेंगे। लास्ट कुछ 1-2 साल में देखेंगे पैटर्न रहा है उनका, चेस करते हुए उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। जैन 2021 से उनका एवरेज बैटिंग फर्स्ट रहा है 24, लेकिन जब वो चेस करती है वो एवरेज हो जाता है 42, एक सेंचुरी भी मारी है चेस करते हुए, तो उनकी फैंटेसी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि हर बार चेस करते हुए रन करेंगे, लेकिन अगर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करना है तो चेस करते हुए और भी ज्यादा अच्छी चॉइस हो जाती है। और भी उसको बोर्ड जो रेकमेंड करेगा टॉप कैप्टन चॉइस हमारी वो होंगी हेली मैथ्यूज, क्योंकि बहुत ही क्वालिटी ऑलराउंडर है, बहुत ही सेफ ऑप्शन है। ऑफ कोर्स आपको 4 ओवर्स भी करके देंगी, पावर प्ले में बॉलिंग करती हैं, डेथ में बॉलिंग करती हैं, तो पहले बॉलिंग कर रही हैं बहुत ही अच्छी चॉइस रहेंगी, उसके बाद ओपनिंग भी करेंगे ऑफ कोर्स और रिसेंट फॉर्म काफी अच्छी रही है, तो हेली मैथ्यूज अगर पहले बॉलिंग कर रही है मेरी कैप्टन जरूर दिखेंगे आप। फिलहाल वसीम भाई किसके साथ जाना चाहेंगे आप वाइस कैप्टन इस मैच में, आपकी सेकंड सेफ पिक? मैं जाऊंगा जो आपकी फर्स्ट पिक है वो है हेली मैथ्यूज। एक्चुअली टेरिफिक मुझे लगता है क्रिकेटर है, ऑलराउंडर है अगेन यू नो, और बहुत बढ़िया वर्ल्ड कप गया है, जो वर्ल्ड कप हमने देखा था शी हैड अ टेरिफिक वर्ल्ड कप, तो विदाउट एनी शैडो डाउट आई विल गो विद हर, क्योंकि अगेन ऑलराउंडर है तो आपको दोनों ही एरिया में पॉइंट्स देती है एंड शी समबडी यू कैन एक्सपेक्ट यू नो टू डू वेल इन दिस गेम, तो हेली मैथ्यूज इज माय चॉइस। वसीम भाई ने मेरे कैप्टन को वाइस कैप्टन बना दिया है, तो मैं इनके कैप्टन को वाइस कैप्टन बना देता हूँ। तो हमारी टॉप रिकमेंडेड चॉइस वाइस कैप्टन के लिए रहेंगी दीप्ति शर्मा। अगेन ऑलराउंड वैल्यू है, 4 ओवर्स पूरे आपको करके देंगी, बैटिंग भी दोनों तरफ से वैल्यू है, और जैसा आपने कहा ऑलराउंडर से हमें बहुत ज्यादा लगाव है, तो दीप्ति शर्मा भी हमारी टॉप रिकमेंडेड चॉइस रहेंगी। तो आप बिल्कुल जा सकते हैं हेली मैथ्यूज, दीप्ति शर्मा दोनों के साथ, बहुत ही सेफ चॉइस है अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं। स्नेल, किसके साथ जाना चाहेंगे आप एज सेफ वाइस कैप्टन, आपकी सेकंड सेफ पिक? मेरी सेकंड सेफ पिक रहेगी लॉरा वुल्फार्ट, जो साउथ अफ्रीका की बैटर है, ओवरसीज प्लेयर है, वेलोसिटी की, और पिछले मैच में हमने देखा कि अच्छा स्कोर भी किया था उनको। शी इज प्लेइंग एट नंबर 4 T20 फॉर्मेट में, वनडेज में ओपन करती है, मगर नंबर 4 एक ऐसी बैटिंग पोजीशन है जहां पे आने के बाद आपको थोड़ा सा वक्त मिलता है सेट होने के लिए, क्योंकि शफाली वर्मा इज ओपनिंग द बैटिंग फॉर वेलोसिटी। तो वो या तो एक बहुत बढ़िया शुरुआत देगी या जल्दी आउट होगी, तो लॉरा वुल्फार्ट को ऊपर बैटिंग करने का मौका मिलेगा इन अ गुड सिचुएशन और वेरी अर्ली, इसलिए आई थिंक कि वो अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स कमा सकती है। और हमने देखा है कि एक डिपेंडेबल पिक है, सेफ पिक है, क्योंकि वो एक टेक्निकली बिल्कुल साउंड बैटर है जिन्होंने T20 में अपना गेम बहुत अच्छा अडेप्ट किया है, स्पेशली हर गेम अगेंस्ट स्पिन पिछले 1 साल में काफी इम्प्रूव हुआ है, और ज्यादातर सामने वाली टीम से स्पिन ही यूज होगा। पेसर्स में भी 1-2 स्पिन ऑप्शन 4-4 है सारी टीम्स के पास, तो स्पिन के खिलाफ आई एम बैकिंग हर टू स्कोर रन्स एंड दैट इज व्हाई शी इज माय सेफ पिक नंबर 2। तो बहुत ही कंसिस्टेंट बैटर है लॉरा वुल्फार्ट और बहुत ही अच्छी चॉइस रहेंगी, सेफ चॉइस हैं बिल्कुल। और जैसा स्नेहल में बात की उनके स्पिन के गेम की, तो हेली मैथ्यू सामने होंगी। वैसे तो पूरी बोलिंग लाइनअप के अगेंस्ट ही उनके नंबर्स काफी अच्छे हैं, सिर्फ 1 ही बार आउट हुई हैं अभी तक, स्ट्राइक रेट काफी अच्छी है। स्ट्रगल रहा है पूनम यादव के अगेंस्ट, 5 इनिंग में 2 बार पूनम ने उनको आउट किया है, 21 डिलीवरीज में फिलहाल सिर्फ 17 रन है, 20 डिलीवरी में 17 रन बनाए उनके अगेंस्ट, तो वो एक पॉसिबल थ्रेट उनके अगेंस्ट हो सकती है। बाकी सब बोलर्स के अगेंस्ट उनके नंबर्स काफी अच्छे हैं, रीसेंट फॉर्म भी काफी अच्छी हैं, तो अगर आप उनके साथ जाना चाहें तो बिल्कुल एक सेफ वाइस कैप्टनसी चॉइस रहेंगे। वसीम भाई, किसके साथ जाना चाहेंगे इस डिफरेंशियल हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पे आपकी? मैं जाना चाहूंगा केट क्रॉस के साथ में। जैसे स्नेल ने कहा है कि सारे स्पिन ऑप्शंस है हर टीम के पास में, तो केट क्रॉस इज दैट डिफरेंशियल पिक के मीडियम पेसर है, यानी शी बॉल्स स्टंप टू स्टंप, शी बॉल्स शी टेक्स विकेट्स एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, बड़े ऊपर के बल्लेबाजों को आउट करती है। सो आई थिंक एंड शी इज एन ऑलराउंडर अगेन, तो थोड़ा हाई रिस्क है, बट क्योंकि फास्ट बॉलर्स ज़्यादा यूज नहीं हो रहे, बट शी हैज़ द कैपेबिलिटी टू गेट दैट 3-4 विकेट्स एट द स्टार्ट। So I am going with Kate Cross. बिल्कुल, और लास्ट मैच में डे गेम में भी उनको काफी स्विंग देखने को मिलती है विद न्यू बॉल, तो न्यू बॉल से काफी वैल्यू है। डेथ में भी बॉलिंग करती है वो, बहुत ही अच्छी चॉइस रहेंगी विद न्यू बॉल और डेथ में, दोनों जगह से आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है। और ऑफकोर्स अगर बैटिंग आई तो वहां से भी, तो एक बहुत ही अच्छी चॉइस रहेंगी, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा पेसर्स को विकेट्स मिल नहीं रहे, क्योंकि स्पिन के ओवर्स काफी ज्यादा हो रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके साथ रिस्क है लेकिन रिवॉर्ड काफी है। किसके साथ जाना चाहेंगे आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड? मेरी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड चॉइस है पूनम यादव। एक तो वो वाइस कैप्टन है रेल ब्लेजर्स की, तो वो खेलेगी ये पक्का है, 4 ओवर डालेगी ये पक्का है, क्योंकि प्रमुख स्पिनर्स में से एक है, और वो एक ऐसी खिलाड़ी है जो बहुत ही एक टेम्प्ट करने वाली बॉलर है, बिल्कुल स्लो डालती है। अगर हम नॉर्मल स्पीड स्पिनर्स के देखते हैं तो 70-80 किलोमीटर पर आवर, पूनम यादव का नॉर्मल स्पीड होता है 60 किलोमीटर पर आवर, कभी कभी उससे भी कम। और हमने देखा है कि पुणे में बहुत अच्छे बैटिंग विकेट्स है, तो वहां पे जो पेस निकाल सकता है, जो पेस बिल्कुल नहीं दे सकता है, वो बॉलर सक्सेसफुल रहने के चांसेस ज्यादा है। और पूनम यादव एक ऐसी बॉलर है जो अगर जिस दिन उसको विकेट मिलते हैं ना, बहुत सारे विकेट मिलते हैं, सामने वाली टीम को पूरी मतलब 2-3 विकेट फटाक से एक स्पेल में निकाल सकती है, विच इज वाई शी इज द काइंड ऑफ प्लेयर जो बड़ी रिवॉर्ड्स दे सकती है। बट एट द सेम टाइम पिछले 1 साल में सामने वाली टीम्स उनको काफी अच्छे से खेल रहे हैं, सो देयर इज अ बिट ऑफ अ रिस्क आल्सो। शी इज द परफेक्ट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्लेयर फॉर मी। बिल्कुल, जैसा स्नेहल ने कहा, परफेक्ट डिस्क्राइब किया उन्हें कि रिसेंटली बहुत ज्यादा विकेट्स लास्ट कुछ 1 साल में नहीं मिले हैं, जैसी वो इफेक्टिव थी पहले वो उतनी शायद नहीं रही है, लेकिन जब उनको विकेट्स मिलते हैं काफी मिलते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक। और पेस की उन्होंने बात की, बहुत ही स्लो डालती हैं, तो बहुत ज्यादा लालच दिया जाता है बैट्समैन को, आइए मारिए, और बहुत मुश्किल उन्हें स्ट्रेट मार पाना। स्पेशली स्नेहल, आपने पेस की बात की, हेली मैथ्यूज काफी तेज बॉलिंग करती हैं वो, अगर आप ऑफ स्पिन स्पेशली वुमेन्स क्रिकेट के अकॉर्डिंग देखें अराउंड 80-85 किलोमीटर की स्पीड रहती है उनकी अगेंस्ट। ये एक बहुत ही अच्छा मैचअप रहेगा शेफाली वर्मा के अगेंस्ट, 5 इनिंग में 3 बार उन्हें आउट कर चुकी हैं, 21 डिलीवरीज 20 रन। क्या आप शेफाली वर्मा पे चांस लेना चाहेंगी एज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, क्योंकि लास्ट मैच में 50 की थी और प्रॉपर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, क्योंकि जब चलती हैं तो अच्छा खासा रन करती हैं, बहुत एग्रेसिव है, और जब नहीं चलती क्योंकि इतनी एग्रेसिव है तो बहुत जल्दी वो कंसिस्टेंसी शायद नहीं मेंटेन हो पाती, तो उनके साथ जाना चाहेंगे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। देखो मैंने जो दो सेफ पिक्स पिक किए उन्होंने दोनों पिछले मैचेस में स्कोर किए हैं, बट आई पिक द सेफ पिक्स क्योंकि वो जाने जाते हैं कंसिस्टेंट बैटर्स होने के लिए। शफाली के मामले में ये नहीं है, शफाली एक ऐसी खिलाड़ी है जो आपको 6 ओवर 8 ओवर वो खेली तो आपको मैच जिताएगी, पर वो उस चक्कर में जल्दी आउट भी हो सकती है। सो शी इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड काइंड ऑफ प्लेयर, मगर पिछले मैच में उसने स्कोर किया है, पिछले मैच में उसने अर्धशतक मारा है, सो लॉ ऑफ एवरेजेस में कहीं ना कहीं गिनूंगी। आई डोंट थिंक शी इज गोइंग टू डू वेल इन दिस नेक्स्ट मैच। बहुत ज्यादा रिस्क रहता है उनके साथ जाने में और उतना ही रिवॉर्ड भी रहता है। हेली मैथ्यूज के अगेंस्ट ये मैचअप बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि अभी तक डोमिनेट किया है हेली मैथ्यूज ने उन्हें, तो उम्मीद करते हैं इस मैच में भी कुछ रन देखने को मिलेंगे क्योंकि हम तो मैच के पर्सपेक्टिव से चाहेंगे कि शेफाली वर्मा रन करें। वसीम भाई, किसको अवॉइड करना चाहेंगे, किसको नहीं रखना चाहेंगे अपनी टीम में इस मैच में? मैं एक्चुअली एन चैंटम को मैं भी अवॉइड करना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा मीडियम पेसेस को थोड़ा शी इज़ नोन टू प्ले वेल, बट हमने ये पैटर्न देखा है ये टूर्नामेंट के अंदर कि मीडियम पेसेस ज़्यादा बॉल नहीं कर रहे। स्पिनर्स हर टीम के अंदर स्पिनर्स हैं तो दे आर बॉलिंग मोस्ट ऑफ द ओवर्स एंड शी इज़ नॉट नोन टू प्ले स्पिन रियली वेल, सो शी इज समबडी यू कैन अवॉइड पिकिंग इन योर टीम। बहुत ही क्वालिटी प्लेयर है थाईलैंड से और बहुत अच्छा लगता है थाईलैंड के प्लेयर्स जब यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें देख के। लास्ट सीजन उन्हें विद द बैट बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी, अपनी नेचुरल पोजीशन में बहुत नीचे बैटिंग कर रही थी, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट काफी देखने को मिला था उनकी फील्डिंग से, काफी वायरल हुआ था उनको वीडियो जो स्पेशली जो फील्डिंग वाला था। इस बार अपनी नेचुरल पोजिशन में चांस मिला है, लास्ट मैच में ओपनिंग की थी उन्होंने, लेकिन फिलहाल वसीम भाई अवॉइड करना चाहते हैं। आप भी चाहे तो कर सकते हैं क्योंकि बेटर है अगर किसी पे रिस्क लेना है तो आप बैट्समैन पे लीजिए। सामने सलमा खातून के अगेंस्ट ही खेली है, 2 बॉल में 0 रन है और एक बार उन्होंने उनका विकेट भी लिया है, तो मे भी आप इस मैच में अवॉइड कर सकते हैं। स्नेहल, आप किसको अवॉइड करना चाहेंगे इस मैच में? बड़ा दुख होता है ऐसे कहने को, बट आई विल अवॉइड द पेस बोलर्स इस मैचअप में क्योंकि हम देख रहे हैं कि पुणे में बहुत एक पाटा विकेट है, वहां पे पेस बोलर्स को बहुत कम मदद मिलती है, 1-2 ओवर के लिए ही अगर गेम मिलती है तो नहीं तो बिल्कुल भी मदद नहीं मिल रही है। सो आई विल अवॉइड वन ऑफ द पेस बोलर्स। रेणुका सिंह पिछले मैच में उनका इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, वो एक स्विंग बॉलर है, वो डिपेंड करती है बॉल हवा में हिल रही है या नहीं और आगे डालने का प्रयास करती है। वो आगे वाला लेंथ बहुत इजी हो रहा है सामने वाले बैटर्स को मारने के लिए, तो उनका जो नेचुरल लेंथ है ये पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए एक परफेक्ट फिट नहीं है, इसलिए मैं रेणुका सिंह को अवॉइड करूंगी एज अ प्लेयर टू अवॉइड। बड़े ही दुख के साथ अवॉइड कर रही है स्नेहल रेणुका सिंह को, तो आप भी चाहें तो बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन उतनी खुशी आपको भी होगी अगर आपकी रेणुका सिंह आपके ओपनर की टीम में अगर वो परफॉर्म नहीं करी तो हम अभी रेकमेंड करेंगे उनको अवॉइड कर सकते हैं इस मैच में क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसी कंडीशंस है, बहुत ज्यादा पेसेस गेम में अभी तक नहीं आए। वसीम भाई, क्या लगता है कौन सी टीम मैच जीतने वाली है, कौन लेके जाएगा वो पॉइंट इस मैच में? मैं एक्चुअली वेलोसिटी को बैक कर रहा हूँ। आई थिंक इवन लास्ट गेम बहुत बढ़िया खेला था उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने सुपरनोवास को हराया था, सो आई एम बैकिंग देम अगेन टू कम गुड इन दिस गेम आल्सो, सो आई एम बैकिंग वेलोसिटी। जीत कर आ रहे हैं लास्ट मैच में, एक अच्छी हो सकता है इस मैच में भी अच्छा खासा प्रदर्शन करें और जीत जाए। स्नेहल, किसके साथ जाना चाहेंगे आप, ट्रेल ब्लेजर्स वेलोसिटी? मैं बैक कर रही हूँ ट्रेल ब्लेजर्स को। एक तो मैं देखना चाहती हूँ कि ये टूर्नामेंट पूरा ओपन हो और ट्रेल ब्लेजर्स अगर जीते तो हर टीम एक एक मैच जीतेंगे, सब लोग पॉइंट्स पे बिल्कुल टाई हो जाएंगे। दूसरा चीज ये है कि ट्रेल ब्लेजर्स हैव टू प्ले एन अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट क्योंकि उनका नेट रन रेट फिलहाल माइनस में है, तो उनको अगर जीतना है, सिर्फ जीतना नहीं है, अच्छे रन के साथ जीतना है, और उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो वो अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल सकते हैं। हेली मैथ्यूज की हमने बात की, स्मृति मानधना ऑफकोर्स टॉप ऑफ द ऑर्डर दिखेगी, सलमा खातून एक अच्छी डिफेंसिव ऑप्शन है उनकी बॉलिंग लाइनअप में, एंड आई एम वेरी कीन टू सी कि श्रेया पोखरेल को चांस देते हैं क्या, जो एक लेफ्ट आर्म सीमर है, तो दैट्स व्हाई आई थिंक ट्रेल ब्लेजर्स आर गोइंग टू कम गुड। तो जैसा मैं हर बार इस शो में बोलता हूँ कि हम दोनों स्काउट्स में से कोई ना एक तो सही होने वाला है, तो शायद किसी एक के सही गलत जाए, लेकिन हमारी बिल्कुल सही जाने वाली, तो VUSport Scouts बिल्कुल सही जाने वाला है कि कोई तो सही होगी दोनों में से। तो थैंक यू सो मच फॉर टाइम स्नेहल, वसीम भाई, बहुत अच्छा लगा फिर से आपसे बात करके और उम्मीद करते हैं ये मैच भी काफी अच्छा जाएगा। जैसे अभी तक हमारे सारे IPL के प्रीव्यूज गए थे, एक दो को छोड़ के, हाँ, तो उम्मीद करते हैं ये मैच भी बहुत ही अच्छा जाएगा आपके लिए और फिर से आप जीतेंगे फैंटेसी में और अपने फैंटेसी ओपोनेंट्स को, जैसा वसीम अकरम आए थे उन्होंने बोला था, सिर्फ हराएंगे नहीं, आप घसीटेंगे एकदम। Thank you so much for your time. Thank you. Thanks for having me, guys.